खबर यूपी के जनपद बदायूं से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांति से संपन्न कराने की अपील। जी हां, खबर यूपी की बदायूं जिले की उगहती क्षेत्र से है, जहां थाना परिसर में शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिम्मेदारी को शांति व्यवस्था को बरकरार रखने, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने की नसीहत दी गई। यह बैठक एसडीएम बिलसी, एसडीएम सहसवान व थाना प्रभारी बीके राणा की मौजूदगी में हुई। प्रशासनिक अफसरों ने निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए सभी लोग मतदान करने के लिए आए तो मास्क लगाकर आए। थाना प्रभारी ने कहा कि धारा 144 लगा दी गई, इसलिए 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठे ना हो। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता का पालन करें, हम चुनाव शांतिपूर्ण करने के लिए उपस्थित उपद्रवियों से सख्ती से निपट जाएंगे। बैठक में क्षेत्र के प्रधान बीडीसी एवं जिला पंचायत उम्मीदवारों के अलावा गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए लोथर से अविनाश शंकरधार की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अभी जो 19 तारीख में वोटिंग होनी है बदायूं जनपद में, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है? ये पूरी तरह से स्पष्ट है, निर्वाचन आयोग ने ही आचार संहिता जारी की है और वो आज जो प्रत्याशियों की बैठक की गई उसी उद्देश्य से की गई है कि सभी प्रत्याशियों को आचार संहिता के बारे में अवगत करा दिया जाए और उन्हें बहुत ही विस्तार से मैंने और एसडीएम सहसवान साहब ने और कोतवाल साहब ने स्पष्ट रूप से उन्हें बता दिया है कि किन किन बातों का पालन करना है और कौन सी बातें गैरकानूनी हैं। अभी कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, तो उसके लिए क्या कोई अलग से गाइडलाइन जारी की गई है? वो स्पष्ट है, उसमें अब ये कहा गया है कि जो गाइडलाइन है जो कोरोना के लिए, वो वही सब इस निर्वाचन पर भी लागू है। स्पष्ट रूप से सभी को मास्क पहनना है और 2 गज की दूरी बना के रखना है और अपने हाथ और मुंह को बिल्कुल साफ रखना है। इसका समय क्या रहेगा वोटिंग का? 7 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक।